गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, आज हम नया पाठ देखेंगे। उसका नाम है नंदनवन। उसका नाम है नंदनवन। पेज नंबर 32 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 32। आज हम पाठ सीखेंगे नंदनवन। ओके, चलो पेज नंबर 32 निकालिए। जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे पीछे पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो चलो। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और दो मोर देखे। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे जाने की कोशिश करने लगे। तभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर बच्चों ने राइस से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े के साइस ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सबने फिर बाग में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। शिक्षक यानी टीचर, छात्र स्टूडेंट, बादल क्लाउड, प्रसन्न हैप्पी, भोजन मेल, कोशिश एफर्ट, साइज हॉर्स राइडर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये पार्ट पढ़ा। अब मैं आपको ये पार्ट समझाती हूँ। नंदनवन, नंदनवन यानी बच्चों क्या कि एक उद्यान होता है। उद्यान में बच्चों यहाँ देखो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ सारे पशु पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, ये सारे यहाँ होते हैं। तो एक शिक्षक जो है टीचर, तो उन्होंने अपने सारे छात्र, छात्र यानी विद्यार्थी, इन सबको नंदनवन की सैर करने के लिए वो ले गए। उन्होंने वहाँ नंदनवन में उन्होंने क्या क्या देखा कि छोटे छोटे बंदर, यहाँ बंदर दिखाई दे रहे बच्चों आपको, कि यहाँ छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी, मोर, यहाँ देखो ये पक्षी है, मोर है, और मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, यहाँ मोर है, ये क्या है, ये पक्षी है, यहाँ मोर है, और मोर को उंगली दिखाकर ये शिक्षक बोल रहे हैं कि ये मोर क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। तो ये मोर है ना, बादलों को देखकर क्या करता है, खुशी से नाचता है। जब बारिश का मौसम आता है ना, तो पहली बार उसे बहुत बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर गिरती है, तो वो उन्हें देखकर बहुत ये सारे पंख फैलाकर वो नाचता है। ऐसे ये जो शिक्षक है सारे बच्चों को, जो उनके छात्र जो है, इन सबको लेकर एक नंदनवन में आ गए हैं, और वो उन्हें दिखा रहे कि कितने छोटे छोटे यहाँ बंदर है, यहाँ पक्षी है, रंगी बिरंगी पक्षी है, यहाँ मोर है, ये सारे यहाँ ये सारे चित्र ये शिक्षक जो है ये सारे अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। और वहाँ मोर है, तो शिक्षक बोल रहे हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और वो बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ सभी क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को ढकेल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बच्चे जो है एक दूसरे को ढकेल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। जब शिक्षक ने उन्हें बताया कि यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ क्या है, मोर है, यहाँ क्या है, मोर है, तो ये बच्चे जो है एक दूसरे को
धकेल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। बाग में कोयल भी कूक रही है। जहाँ बाग में कोयल भी है, कोयल की आवाज़ कितनी मधुर होती है, कभी सुना है आपने बच्चों? वो कैसे गाती है? कुहू कुहू ऐसे गाती है ना। तो बाग में कोयल भी है और वो क्या कर रही है? कूक रही है, कूक रही है। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। जब वो कोयल कूक रही थी तो वो सारे बच्चों का ध्यान उस कोयल की तरफ गए और सारे बच्चे एक साथ वहाँ देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। तो ये सोहन नाम का लड़का है ना, उन्होंने क्या किया कि एक पास लगे हुए पेड़, पास में जो पेड़ था वहाँ से एक लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। ये देखकर शिक्षक ने उन्हें रोका और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पिछला पाठ हमने पाठ में देखा है कि बच्चों कि ये जो पेड़ होते हैं वो जीवित होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है और पेड़ मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, फायदेमंद है। पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती है, औषधियाँ मिलती है, औषधि वनस्पति मिलती है, चूर्ण मिलते हैं, उसका रस जो है वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसके पेड़ के फल होते हैं, फूल होते हैं, ये भी हमें बहुत उपयोगी होते हैं। तो शिक्षक ने सोहन से कहा कि लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है और उन्होंने शिक्षक ने सोहन से समझाया और उसे रोक दिया कि वो शिक्षक कहने लगे कि लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे। फिर बच्चों ने साइज से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। साइज किसे कहते हैं बच्चों? हॉर्स राइडर को क्या कहते हैं? हॉर्स राइडर को साइज कहते हैं। ठीक है, तो जो घोड़े की देखभाल करता है ना, उसे क्या कहते हैं? साइज कहते हैं। तो सारे बच्चों ने क्या किया, उस साइज से अनुमति यानी उनकी परमिशन लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। क्या खिलाई? रोटी खिलाई। घोड़े के साइज ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। तो जो घोड़े की देखभाल करता है ना साइज, उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बिठाया और उनकी सैर की। सभी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ये नंदनवन, जब ये शिक्षक उन्हें लेकर आए तो उन्होंने मोर को देखा, कोयल को देखा, रंगी बिरंगी पक्षियों को देखा और अभी और छोटे छोटे बंदर को भी उन्होंने देखा। और अब वो सारे बच्चे घोड़े की सैर भी कर रहे थे, घोड़े पर बिठाकर सैर कर रहे थे। तो सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे। सब ने फिर बाग में भोजन किया और शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। तो बच्चों ने और शिक्षक ने घर से खाना लाया था तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे सारे बच्चे बैठ गए और अपना अपना खाना वो खाने लगे। और उसके बाद दिन भर वो नंदनवन घूमने के बाद शाम को वो मोटर में बैठकर घर लौटे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? ओके, अभी हमने शब्दार्थ देखे हैं बच्चों, और एक बार मैं पढ़कर सुनाती हूँ। शिक्षक टीचर, छात्र स्टूडेंट, बादल क्लाउड, प्रसन्न हैप्पी, भोजन मेल, कोशिश एफर्ट, साइज हॉर्स राइडर। ठीक है, अब हम बच्चों देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में बच्चों क्या है, ये काल। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। जैसे जाएंगे आएंगे, ये क्रिया के रूप होने का समय काल बताते हैं। काल के मुख्य तीन प्रकार है। जैसे देखो, हमारे हर रोज़ हम वाक्य बोलते हैं कि हाँ मैं खाना खा रही हूँ, खाती हूँ, खा रही हूँ, खाऊंगी, मैंने गाना गाया, मैंने टीवी देखी। ये जो सारे शब्द होते हैं ये क्या है, ये काल होता है यानी समय होता है। तो जो हम क्रिया करते हैं जैसे कि जाएंगे आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं?
काल कहते हैं, वो काल बताते हैं। और काल के तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान में बच्चों मैं आम खाता हूँ, यानी वो आज काम कर रहा है, खाता हूँ यानी वो क्रिया कर रहा है, वो आम खा रहा है, आम खाता हूँ, खा रहा है वो क्रिया कर रहा है, इसलिए वो वर्तमान काल। भूतकाल, मैंने आम खाया, बीता हुआ काल, कब खाया वो पता नहीं लेकिन खाया था उसने, आम खाया, बीता हुआ काल। जो हम भी जब आम का मौसम होता है ना तब हम आम खाते हैं, तो बीता हुआ काल, मैंने आम खाया, खाया है लेकिन कब खाया है, वो खाकर हो गया है, बीता हुआ काल है वो। भविष्यकाल, मैं आम खाऊंगा, आने वाला काल, आने वाला, खाने वाला है लेकिन कब खाने वाला है वो पता नहीं है लेकिन खाएगा, लेकिन खाएगा वो आने वाला कल, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल। वो आम खाएगा लेकिन कब पता नहीं लेकिन खाएगा, उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल। भूतकाल, उसने आम खाया, बीता हुआ काल, वो खा चुका है, खा चुका है इसलिए वो भूतकाल, और वो आम खा रहा है, अभी वो क्रिया कर रहा है। तो काल के तीन प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। काल किसे कहते हैं, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, ये क्रिया के रूप होने का समय उसे काल बताते हैं। काल के तीन प्रकार है, वर्तमान काल, मैं खाता हूँ आज, भूतकाल, मैंने आम खाया, बीता हुआ काल, भविष्यकाल, मैं आम खाऊंगा, आने वाला काल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। आप नोटबुक निकालिए, ये देखिए बच्चों, नंदनवन के प्रश्नोत्तर, नंदनवन इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला पाठ है, पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, मोर हमारा डॉट डॉट पक्षी है, क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र का पक्षी है, पूरे हमारे भारत देश का ये पक्षी है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। और कौन सा पक्षी है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दो नंबर, बाग में कोयल कूक रही थी, बाग, यहाँ उचित शब्द कौन सा है, बाग, यहाँ बाग लिखकर अधोरेखांकित कीजिए, बाग में कोयल कूक रही थी। तीन नंबर, सभी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे, अधोरेखांकित कौन सा शब्द किया है, खुश, सभी बहुत खुश थे, यहाँ शब्द कौन सा आता है, खुश। ओके, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे, प्रश्न पहला, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे, उत्तर, शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने गए, शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने गए। प्रश्न दूसरा, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, उत्तर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। ठीक है, प्रश्न तीसरा, घोड़े को क्या खिलाया, घोड़े को क्या खिलाया, घोड़े को रोटी खिलाई, घोड़े को रोटी खिलाई। प्रश्न तीसरा,
निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए, सॉरी शब्दों के अर्थ लिखिए, शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है शिक्षक। शिक्षक इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्यापक, गुरु, अध्यापक गुरु। दो नंबर बादल, मेघ, घन, गगन, ऐसे ये अर्थ होते हैं। छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, चेला, छात्र का अर्थ क्या होता है? छात्र इस शब्द का अर्थ क्या है? विद्यार्थी, शिष्य, चेला। ओके, गुड। उसके बाद बच्चों प्रश्न चौथा, लिंग पहचानिए। लिंग पहचानिए, हमें क्या करना है? लिंग यानी जेंडर, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग हमें बताना है। तो तोता, तोता क्या है बच्चों? पुल्लिंग, तोता पुल्लिंग होता है ना। ओके, तोता पुल्लिंग। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग। मोर स्त्रीलिंग, मोर स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम है नंदनवन। और हमने ये पाठ पढ़ने के बाद, ये पाठ आपको दो बार घर में पढ़ना है, और इसके प्रश्न और उत्तर मैंने लिख कर दिए हैं, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, छोटा सा पाठ है बच्चों, और ये पाठ जो है नंदनवन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आपको दो बार घर में पढ़ना है, और इसके प्रश्न और उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ओके, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं बच्चों, थैंक यू।